फांसी देने का समय क्या होता है, कैसे पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है, फांसी के वक्त रुमाल का क्या काम होता है, फांसी के वक्त रुमाल का इस्तेमाल क्यों करता है जेलर। आइए जानते हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब। हमारी टीम ने एक जल्लाद से बात की जिनका पूरा परिवार ही फांसी देने का काम करता है। जब जल्लाद से पूछा गया कि जेलर अपने हाथ में पकड़े रुमाल का इस्तेमाल क्यों और कैसे करता है, इसका जवाब देते हुए पवन जल्लाद ने कहा, फांसी देते वक्त वहाँ मौजूद लोग कुछ नहीं बोलते, सिर्फ इशारों से काम होता है। इसी वजह से लीवर खींचने का इशारा देने के लिए रुमाल का इस्तेमाल किया जाता है। कैदी को फांसी के तख्ते पर लाने और फांसी देने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में पवन ने बताते हुए कहा, कैदी के हाथ तो पहले ही बंधे होते हैं, फिर उसके पैर भी बांध दिए जाते हैं, सिर पर नकाब डाल दिया जाता है और फिर फांसी का फंदा कसना होता है। जैसे ही सारा काम पूरा हो जाता है, हम लीवर के पास पहुंच जाते हैं और जेल अधीक्षक को अंगूठा दिखाकर बताते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया है। अब इशारा होते ही लीवर खींचने की तैयारी होती है। कैदी को खड़े करने की जगह पर एक गोल निशान बनाया जाता है जिसके अंदर कैदी के पैर होते हैं। जेलर रुमाल से इशारा करता है तो लीवर खींच दिया जाता है। रुमाल नीचे नहीं गिराया जाता बल्कि एक खास अंदाज में झटका जाता है। लीवर खींचते ही कैदी के पैर सीधे कुएं में गिर जाते हैं और सिर्फ फंदे से लटक जाता है। 10 से 15 मिनट में सब कुछ शांत हो जाता है। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो इस लाइक को शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।